स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी एग्जाम था उसके रिजल्ट के रिगार्डिंग अब एक नई डेट सामने आ रही है। आप सबको आज की डेट दी गई थी, स्पेशली टाइम्स नाउ हर दिन बता रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा। इससे बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज हो रहे हैं, हम भी कन्फ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई ने एक अगर ट्वीट कर दिया होता या कोई मैसेज दे दिया होता तो ऑब्वियसली इतना ये नहीं होता, बच्चे परेशान नहीं होते, स्ट्रेस आउट नहीं होते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे, और बोर्ड से भी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि ये कॉम्पार्टमेंट एग्जाम है। सो सी, अब जो जी न्यूज़ ने नई खबर जारी की है, जी न्यूज़ भी कल कह रहा था कि रिजल्ट टुमारो मतलब आज 1 अगस्त, लेकिन अब तक रिजल्ट आई तो नहीं है। अब जी न्यूज़ ने एक नई इन्फॉर्मेशन जारी की है, तो कुछ ऑथेंटिसिटी हो सकती है इनमें। रिजल्ट शॉर्टली है, ये नहीं कह रहा कि रिजल्ट आज आ रहा है, रिजल्ट शॉर्टली। अब सीबीएसई की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको देखो अभी भी वही दिख रहा है कि कोई नया लिंक जनरेट नहीं हुआ। तो अब इस न्यूज में आप देखिए कि एग्जाम तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 17 जुलाई मतलब कब हुआ था 10th का, कब हुआ था 12th का, दैट यू ऑलरेडी नो। अब रिजल्ट की बात आ रही है कि रिजल्ट कब आएगा। तो बोर्ड कंडक्टेड द क्लास 12 सप्लीमेंट्री एग्जाम ओनली ऑन 17th है ना, और 10th वालों का 17 जुलाई to 22 जुलाई तक एग्जाम हुआ था। सो एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट, अब ये नई रिपोर्ट ये कह रही है कि रिजल्ट्स आर लाइकली टू बी रिलीज दिस वीक, ठीक है। अब इसका ये मतलब हुआ कि आ जाने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, बट स्टिल वी हैव टू कीप वेटिंग, क्योंकि कभी भी सडनली रिलीज होती है रिजल्ट, सीबीएसई में ऐसा ही होता है, आपने बोर्ड एग्जाम में खुद एक्सपीरियंस किया होगा। सो वी हैव टू कीप वेटिंग, बट अभी आ जाने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं। दिस वीक से मतलब कम से कम 2nd or 3rd August। However, students must note that no date or time has been confirmed by the board. ये assumption है मीडिया वालों का, but board ने authentically कुछ कहा नहीं है मीडिया से भी। So obviously बात है कि result बन ही गया है तो आएगा ही, बनने में जैसे बन गया है। और copy checking की जहाँ तक बात करें, copy checking आपकी already done है, but जो copies है ना वो सारी अभी regional offices में पहुँची नहीं है। अब जैसे result release होगा 1-2 दिन के बाद बच्चे अपनी कॉपी मांगेंगे जिनको डाउट होगा, कन्फ्यूजन होगा, तो सीबीएसई के पास जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि होनी चाहिए ना कॉपीज की, वो सेंड कर सके आपको, या यू कैन सी द अपना आंसर शीट देख सके। तो ये भी कुछ रीजंस में हो गया है कि सीबीएसई के पास अभी आपके जो आंसर शीट्स थे वो अवेलेबल ही नहीं है। हालांकि कॉपी चेकिंग बहुत अच्छे से भी है, देखा जाए तो सब कुछ जो सीबीएसई का है मॉडरेशन वो भी लगा है, ग्रेस मार्क्स भी टीचर देते ही हैं। सो इट्स नॉट कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपने जितना लिखा है उसके ऊपर 4-5 नंबर तो मिल ही जाता है, करेक्ट। तो ये नहीं है कि आपको नंबर नहीं मिलने वाले, हाँ, बट ये है कि देख लो आपको अटेम्प्ट लेने पड़ते हैं सीबीएसई में। अटेम्प्ट लोगे तो क्या करता है टीचर, मान लो कि आपको 15 नंबर मिल रहा है, ठीक है, अगर मैं क्लास 12 की बात करूँ, आपको 2021 लाना है कम से कम, तो 15-20 नंबर का आपने लिख दिया तो आपको 20 नंबर तो ऑन डॉट मिल गया। बच्चे आपको 26 नंबर चाहिए 80 मार्क्स में पास होने के लिए, तो 26 में जो बचा 5-6 नंबर है वो आपने जो अटेम्प्ट्स लिए होते हैं, स्टेप्स लिखे होते हैं, उसके नंबर मिलते हैं। कुछ बच्चे मैथ्स में पूछ रहे हैं तो मैथ्स में भी अटेम्प्ट के नंबर मिलते हैं, अटेम्प्ट शुड बी करेक्ट, है ना। अटेम्प्ट लेने का ये मतलब नहीं कि हम इररिलेवेंट रैंडम अटेम्प्ट ले लिए, कुछ भी लिख दिया हो, कुछ भी लिख देना इज नॉट एन अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब आपने ट्राई किया है एंड दैट इज रेलेवेंट, यू हैव रिटन समथिंग अराउंड द क्वेश्चन, तभी टीचर आपको नंबर देगा। एंड जो ये कंपार्टमेंट एग्जाम होती है उसकी जो कॉपीज चेकिंग होती है वो बहुत ही आराम से होती है, क्योंकि टीचर्स को भी पता है कि अगर यहाँ पे रोक दिया बच्चों को तो फिर उनका 1 साल रुक जाएगा। तो इस वजह से क्या है कि रिजल्ट जो है आपका अच्छा ही आएगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली पास, क्योंकि मैं देख रही हूँ ज़्यादातर बच्चे ये कह रहे हैं कि मैंने अटेम्प्ट लिया है, तो ऑब्वियसली अगर आपने अटेम्प्ट लिया तो यू विल नॉट फेल, यू विल डेफिनेटली पास। 10th के अब देखो 10-12 दिन आपके 10th वालों के भी हो गए, 12th वालों के भी एग्जाम दिए गए, अब लगभग प्रोसेस तो डेफिनेटली कंप्लीट हो गया होगा। अब आज आए कल आए, आज देख लो न्यूज़ तो ये कह रहा है कि आज नहीं आएगा, शॉर्टली मीन्स कल परसों कभी भी आ सकता है। सो दिस वीक वी हैव टू कीप वेटिंग, 2 आए 3 आए या 4 आए, बहुत लेट अब सीबीएसई नहीं करेगी। क्लास 12th वालों के लिए अगर बताऊँ तो एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि सीयूईटी के स्कोर कार्ड्स तो आ ही चुके थे, सो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, आप लोग अब उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो रिजल्ट अब आपका आजकल में आने ही वाला है, तो आप अप्लाई उसमें कर सकते हैं जिन जिन कॉलेजेस के स्टार्ट हो गए। सो एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट जो है वो अब 2-3 अगस्त रह गया है, और रिजल्ट चांसेस यही बन रहे हैं कि एक ही दिन आएगा 10th और 12th का, क्योंकि वैसे भी देखो जब बोर्ड में वो एक ही दिन अफोर्ड कर लेते हैं देना रिजल्ट, जहाँ 33 लाख बच्चे अपियर होते हैं, यहाँ तो बहुत कम बच्चे अपियर होते हैं, तो
तो इस वजह से रिजल्ट आपका एक ही दिन आएगा एंड होपफुल बहुत अच्छा आएगा, मॉडरेशन भी लगेगी, ग्रेस मार्क्स भी मिलेगा. सो दीज थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन कम्प्लीटेड. सीबीएसई के पास जो आंसर शीट कम्प्लीट होकर आई थी, जो मार्क्स आए थे, उससे रिजल्ट आपका लगभग बन ही चुका है. मॉडरेशन ग्रेस सब लगने के बाद फाइनली अब साइट पे डालना है ताकि बच्चे फिर विजुअलाइज कर सकें. सडनली देखो कल या परसों कभी भी ट्वीट आ जाएगा और उसके बाद रिजल्ट आपका रिलीज हो जाएगा. सो रिजल्ट जब भी आए हड़बड़ाहट नहीं है बच्चों को, बस ये कि अच्छा है. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.